हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से या टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 8 रुपए 85 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 6.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 126 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक आज के दिन ओपन होता है 136 रुपए 90 पैसे। स्टॉक हाई लगाता है, जहां पर स्टॉक ओपन होता है वहीं पर स्टॉक का हाई बन चुका है और लो है स्टॉक का आज के दिन 126 रुपए 60 पैसे। स्टॉक उसके करीबन ही ट्रेड कर रहेगा और अपने हाई से देखे तो स्टॉक में लगभग 10 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की बात करें तो बायर क्वारंटी नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 47,20,017 क्वारंटी है, तो वहीं पर सेल्स क्वारंटी देखें तो लगभग 81,25,514 क्वारंटी है, तो बायर्स के मुकाबले सेलर्स के नंबर 2 गुने से भी ऊपर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर ट्रेड वॉल्यूम की बात करें नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 11,63,47,000 क्वारंटी देखने को मिली है, यानी स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी देखें तो काफी बड़ी मात्रा में है और वहीं स्टॉक के प्राइस में ऊपरी लेवल पर एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, जिससे साफ पता लगता है कि इस स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा ऊपरी लेवल पर। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहा था, जहां पर स्टॉक के अंदर पहले टॉप था 137 रुपीज। स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, पर जब स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया तो ऊपर में एक हाई बना 142 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर फिर से स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और जो स्टॉक का पिछला हाई था 137 रुपीज, स्टॉक ने उस प्राइस को ब्रेक डाउन दिया और लगातार ऊपरी लेवल पर काफी बड़ी करेक्शन देखने को मिली। अभी स्टॉक जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक में एक बड़ा सपोर्ट लेवल आएगा और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी 127 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट किया था पर वहां से तो स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिला था, यानी 127 रुपीज पर एक अच्छा डिमांड जोन थे, पर अब इस बार देखें तो स्टॉक ने 127 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन दिया। यहां से स्टॉक के अंदर एक बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 125 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें। अगर स्टॉक 125 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो स्टॉक नीचे में 115 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि बीच में देखें तो स्टॉक में कहीं सपोर्ट लेवल नहीं है। नीचे में 120 रुपीज और सेकंड 115 रुपीज, इन दो सपोर्ट लेवल के पास स्टॉक रिटेस्ट कर सकता है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो शॉर्ट टर्म के लिए तो 125 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वहां पर आप थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस रखें, जिससे कि स्टॉप लॉस जल्दी से हिट ना हो और नीचे में 120 रुपीज स्टॉक में एक बड़ा स्टॉप लॉस भी है और ऊपर के टारगेट 136 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।